आपको संबोधित किए श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अशोक गहलोत जी, केसी वेणुगोपाल जी, कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, सुखविंदर सुक्कू जी और जाने माने हमारे नेता और खास करके आर्थिक और कानून के ज्ञानी श्री चिदंबरम जी और हरिप्रसाद जी, सुकेंद्र रंधवा जी, सलमान खुर्शीद साहब सीनियर लीडर, नासिर हुसैन जी और अध्यक्ष मोहन माकरम जी, राजा बरार जी, गोविंद हमारे दातसरा जी, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास, AICC के सेक्रेटरीज और यहाँ पर के जो हमारे विधायक मित्र, हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स और सारे कार्यकर्ता और सीनियर लीडर शिवराज पाटिल साहब और जयप्रकाश अग्रवाल जी, अभी बहुत से नेता इस मंच पर है, समय की अभाव मैं सभी का नाम मुश्किल है और खासकर मीडिया के जो दोस्त है वो दिल्ली से भी आए हैं, यहाँ के भी है और कड़ी धूप में वो भी लोग हमारा अपना चार शब्द सुनते वो भी आए हैं। तो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने ऐसी शानदार प्लेनरी सेशन छत्तीसगढ़ में मनाई और देश के कोने कोने से 10,000 डेलीगेट यहां पर पहुंचे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक और नॉर्थ ईस्ट के भी कई जगह से यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं। तो सबको एक जगह लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए और भूपेश बघेल जी ने तो सबसे पहले आमंत्रण दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होना चाहिए, हमारे लोग तैयार है, चाहे वो ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, चाहे कुछ भी हो, हम यशस्वी बना के दिखाएंगे, ये उनका दावा था और आज वो हम आंखों से देख रहे हैं, ये सभी उन्होंने साबित कर दिया। चाहे कितना भी तकलीफ हो, इसको यशस्वी बनाएंगे, ये उन्होंने किया। और इससे पहले हमारे उदयपुर सेशन में तो अपने गहलोत साहब ने वहां पर राजस्थान में किया था, तो इसी ढंग से आज यहाँ प्लेनरी सेशन ये ऐतिहासिक है, 85वां सेशन है। ऐसे सेशन हर जगह नहीं होते, हर जगह मीटिंग्स होते हैं, हर जगह कॉन्फ्रेंस होते हैं, हर जगह
पब्लिक मीटिंग होते हैं, लेकिन ये जो प्लेनरी सेशन होना मुझ जैसे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से लेकर पीसीसी से लेकर आज एआईसीसी का जो पद मुझे मिला, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा गौरव मुझे दिया है। इसलिए हमारे डेलीगेट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे वर्किंग कमेटी के जो स्टीयरिंग कमेटी है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और खासकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इन्होंने जो मुझ पर प्रेम जताया और अपना एक भरोसा रखा, उस भरोसे के काबिल रहने के मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। छत्तीसगढ़ के सम्मानित नागरिकों, हमारे रायपुर महाधिवेशन के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मोतीलाल वोरा सभा स्थल पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो जनसभा में पधारे सभी मित्रों का और एक बार मैं स्वागत करते हुए, और आज ये भी आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, एससी एसटी लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई जो अदानी है 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़, और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है आपको बताओ, हमको बताइए, नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी न को वो भी न को। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है सिर्फ 2.5 साल में। ये है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा, पूरे राष्ट्र के लोगों को तबाह किया। किसका पैसा है 80,000 करोड़? उन्होंने एक इंसान को, एक कंपनी को अगर लोन देता है, क्या वो किसी के और से भी नहीं है? वो LIC का पैसा है जो लोग हम हमारे बच्चों के लिए इंश्योर करते हैं, हमारे लिए इंश्योरेंस कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए नेता अपने लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, वहां मीडिया के दोस्तों को भी इंश्योरेंस करना पड़ता। इंश्योरेंस के पैसे जो उस कंपनी में है LIC में, वो निकाल के आपने दिया। और जो गरीब लोग, मेहनत कश लोग, मध्यम वर्ग के लोग, जो सरकारी नौकर है, किसान है,
वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है, तो SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो और कोई बैंक हो, उन्होंने भी इतना लोन दिया पूछो मत। तो ये इतना बड़ा लोन एक व्यक्ति को देते हैं और वो भी किसके लिए देते हैं, जो सरकार के कंपनियां खरीदने के लिए, मॉर्टगेज कर लेने के लिए लॉन्ग लीज पे देते हो, और पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, पब्लिक सेक्टर्स हमारे और खरीदने वाले हमारे पैसे से अदानी, और इसको आशीर्वाद देने वाले कौन? मोदी। मोदी साहब ये तो हमेशा ये कहते हैं, मैं खाऊंगा नहीं न खाने दूंगा, यही कहा ना लफ्ज, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भाई आप बोलिए, आप नहीं खा रहे, पैसे तो कोई खाते नहीं, लेकिन हमारी संपत्ति एक एक बेच रहे ना, ये पैसा किसके पास जा रहा है? तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा है। वो कौन सा दोस्त है जिसके प्लेन में आप प्रधानमंत्री की वोट लेने के लिए गुजरात से आए थे? वो उसी के प्लेन में आए थे, और बोलते हैं मैं रिश्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन बंद। कहां बंद है भाई? ये हो सकता है कि छोटे छोटे करप्शन में बंद किया, लेकिन बड़े बड़े करप्शन के लिए मैं अलाउ किया, यही हो सकता है। और आज यही राहुल गांधी जी ने बोला, हमने बोला भाई हम पूछते अदानी के साथ आप दिल्ली आए या नहीं, अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे, अदानी आपके आप पहुंचते ही उन्हों कितने देशों में पहुंचा, अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया, यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं गई, निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में है, जिस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं, तुम ये खाओ तुम वो खाओ फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो, यहां तक मैं नहीं देखा भाई, मेरे को 51 साल हो रहे हैं, खत्म हो गए जनवरी 51 को, तो मैं कभी नहीं देखा महाधिवेशनों में अधिवेशन चल रहा है रेड धड़ाधड़ डाल रहे हैं, किसको डरा रहे आप? अरे छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है, और अरे वो तो लोग जंगल में रहते हैं, हर पानी को देखे हैं, हर पानी पिए हैं, नदी का पानी पिए, बावड़ी की पानी पिए, तालाब की पानी पिए, तुम तो सिर्फ एक बोतल की पानी पीते हो बस। तो डरना है तो आप डरते हो, इसीलिए तो ऐसे रेट डालते हो। अगर आपको डर नहीं है, क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? 75 साल में वो इलाका जो आर्थिक इलाके से संबंध था वो निकालकर शाह के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी भी उसके पास और सताने के लिए आना डराने के लिए, और वो डराते ही
हर जगह ये काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कारखाने, ये भी वहां के लोगों को डरा के वो चाहते हैं कि कारखाने लेना, डीसीसी बैंक लेना, क्रेडिट कोऑपरेटिव लेना, मिल्क डायरीज लेना, हर चीज लेना। इसके लिए वो कोऑपरेटिव भी होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिए। अब तक मैं 75 साल में नहीं देखा होम डिपार्टमेंट में। होम में तो लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बहुत से आईएएस आईपीएस इनके समस्याएं रहते हैं और देश के बॉर्डर ये देखने का रहता है, लेकिन ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यही खतरा है लोकतंत्र के लिए, इसके लिए आपको डट के मुकाबला करना है। अगर लोकतंत्र नहीं, अगर संविधान नहीं बचा, सबसे मार अगर किसी को गिरेगी वो आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को गिरेगी, दूसरे और किसी को नहीं। क्योंकि आज रिजर्वेशन है, आप कम कर रहे हैं, 1,00,000 सरकारी नौकरियां हैं, वैकेंसीज हैं, सब रेल पकड़ के, लेकिन वो नौकरियां नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे? कम से कम 60 हैं। अगर गरीब 16,00,000 वैकेंसीज अगर भर दिए, 17,00,000 वैकेंसीज गरीबों को लिए, तो पैसे जब होते हैं तो उनमें बोलने की ताकत आती है। जब बोलने की ताकत भी आती है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अपना भी चला सकते हैं। इसीलिए मोदी जी ये नहीं चाहते कि वो वैकेंसी भरो, लेकिन वो करते क्या है, जो ना चुनाव हो रहा है चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे पास वहां बोलना कि वहां के चीफ सेक्रेटरी को बुला के, भैया आपके पास कितने नौकरियां खाली है? साहब हमारे पास 5,00,000 खाली। 5,00,000 छोड़ो भाई, मेरे को 70,000 का सर्टिफिकेट प्रिंट करके दो, ताकि उन्होंने अपॉइंटमेंट के सर्टिफिकेट खुद प्राइम मिनिस्टर ने बांटा। कहीं सुना आपने? वो डिप्टी सेक्रेटरी करता है काम, उसकी ऑर्डर जाती है क्लर्क से, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो खुद अपॉइंटमेंट के ऑर्डर बांटते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में उन बच्चों को मालूम होना, अरे हमको अपॉइंटमेंट, अरे वो तो आपका हक है। और 3,00,000 वैकेंसीज है, ये उनका नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के है या सरकारी नौकरी है। तो ऐसे बहुत से नाटक मोदी जी करते हैं और लोगों को डराते भी हैं और ऐसा बोलते हैं कि मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को, एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए, और जनता डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है, तो हमारे पास वोटों की शक्ति है। और लोग वो वोट इस बार इस्तेमाल करके दिखाएंगे, लेकिन
दोस्तों आपको एक होना चाहिए। यह मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, किसी अमीर के ऊपर नहीं है, किसी बड़े या छोटे अमीर के ऊपर नहीं है, पूरा हमला गरीबों के ऊपर है। जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट दी, उसमें उन्होंने 90,000 काट दिया। मनरेगा स्कीम जिसको 1,75,000 करोड़ रुपए रख, तो सिर्फ उन्होंने 30,000 करोड़ रख दिया। पहले 90,000 था, अब इस बार 30,000 करें, लेकिन उनको रखना कितना था, 1,75,000। अगर आप 100 दिन सबको काम देते हैं तो उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है। ऐसे ही उसके तरफ उनकी चिंता नहीं है, ऐसे ही पुकारते, ऐसे ही जाते। और जब मैं पार्लियामेंट में जब ये एक बार पूछा तो वो मेरे को बोले, खड़गे साहब मैं मनरेगा स्कीम को नहीं मरने दूंगा, क्योंकि आपकी विफलता का जीता जागता स्मारक है, इसीलिए मैं उसको मरने नहीं दूंगा। मनरेगा करोड़ों लोग जो कोविड में मर रहे हैं, माइग्रेंट को अगर बचाया, गांधी के प्रोग्राम ने बचाया। और वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या, बार बार 70 साल में आप क्या किया, 70 साल, ये भिलाई वो कह रहे हो, यू नो 5 साल के थे, 17 साल के थे, मुझे मालूम कितने थे, 5 साल ना, 5 साल के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री रशिया के साथ और पब्लिक सेक्टर में बहुत से किए, प्राइवेट सेक्टर में भी किए, तो वो कहते हैं उनको दिखाई नहीं देता ये। और छत्तीसगढ़ आके क्या बोलते मुझे मालूम है, 70 साल में क्या दिया, बोले तो आप सीधा ले जाके वो स्टील के फैक्ट्री में वो आग लगती ना, वो दिखाइए, जरा देख लीजिए कैसा है, ये हमने बनाया, अरे स्टील हमने बनाया, सीमेंट हमने बनाया, AIM, IIT, IIIT किसने, आपने बनाया, मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब, ऐसे ऐसे कारखाने। उन्हों कारखाने को, डैम को, भाकरा नांगल हो, हीराकुंड हो, ऑल जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को और ऐसे कारखानों को बोला, ये तो हमारे मॉडर्न टेंपल है, ये आधुनिक देवस्थान है, उन्होंने पूजा कर दी। ये लोग हर चीज को, मैंने एक बहुत से ट्रेन जब था तो कर्नाटक में, वो वाराणसी उधर और अपना वैष्णो देवी और अजमेर ऐसे जगह और बॉम्बे गिम्बे तो कर्नाटक से छोड़ा था। परसों चुनाव के वक्त आए, आकर वही ट्रेन को, पुराने ट्रेन को नया इंजन एक लगाकर उसको कलर मार के ये बोले सीधा वाराणसी जाएगी। कांग्रेस ने किया, मैंने किया, भगवान के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं बोलते, तो उस विश्वास रहने वाला आदमी जो जिसने चलाया पहले उसकी सब बोगियां निकाल लिया, दूसरा इंजन लगा दिया, हरी झंडी बता दिया। अब ये इनका डेवलपमेंट बताओ मेरे को, कितने डेवलपमेंट आप, कितने पब्लिक सेक्टर आपने किया, मैं उसका आंकड़ा भी देता हूं कि उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर 10,000-5,000 लोगों को नौकरी देने का अगर किया है, वो जो भी बोलेंगे मैं उनको सुनूंगा। लेकिन हमारे
नेता इतने जो इतने देखिए मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं कि आपको भी याद रहने दो, हमारे जितने भी बात करने वाले जो नेता लोग हैं उनको भी रहने दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़, उन्होंने इसी राज्य में भिलाई गांव को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना था।